फर्स्ट टाइम मैं आप लोग का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब भी संपत शेवाड़े के ऊपर या स्थानिक नगर सेविका देवावती शेवाड़े के ऊपर जो कांग्रेस का अध्यक्ष समझने वाले उसने आरोप किया है कि ये विरुंगा केंद्र में बहुत भ्रष्टाचारी हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और पैसा कमाने के लिए सब काम कर रहा है। जब भी आप लोगों ने मेरे को पूछा, मेरे को इसका ये देना नहीं चाहता था, मुझे कंप्लेन नहीं देना चाहता था, लेकिन तो भी आप लोगों ने पूछा इसीलिए आप आए और मैं बैठ दे रहा हूँ, इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। मेरे को ज़रूरत नहीं था कि स्पष्टीकरण देने का, क्योंकि पूरा वार्ड में मालूम है कि संपत शेवाड़े आज 84 में रहने के लिए आए, 84 से 85 से आज तक वार्ड में काम करता रहता हो, काम करता हो, पूरा रात दिन काम करता हो। तभी इधर जनता को मालूम है कि संपत शेवाड़े भ्रष्टाचारी है या नहीं है, इसीलिए हम आज आपको स्पष्टीकरण इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर इंजाम लगाता है, मेरे फैमिली के ऊपर इंजाम लगाता है, और तुम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक मीडिया हो या पेपर हो सभी ने मेरे को जो भी पूछा और आप लोग आया, इसीलिए आपको पहला मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो विरुंगा केंद्र जो है इधर के वार्ड में जो सेक्टर 17 के लोग जो है सीनियर सिटीजन, इन लोगों ने मेरे को अप्लीकेशन दिया, वो रजिस्टर जो महाराजा विरुंगा केंद्र ये रजिस्टर है, और इन लोगों ने जब भी चेयरमैन सेक्रेटरी लोगों ने जो स्थानिक नगर सेविका दयावती संपत शेवाड़े को लेटर दिया, तभी स्थानिक नगर सेविका दयावती शेवाड़े ने सभागृह में महापालिके में लेटर दे दिया कि सेक्टर 17 के मीनाताई गार्डन में विरुंगा केंद्र होना चाहिए। वो लेटर देने के बाद कौन सा तारीख को लेटर दिया, तारीख बोलना, 9/11 को लेटर दिया स्थानिक नगर सेविका दयावती शेवाड़े ने कि सेक्टर 17 के मीनाताई ठाकरे के गार्डन में ज्येष्ठ नागरिक के मांगनी के वजह से विरुंगा केंद्र लाइब्रेरी होना चाहिए है। उसके बाद लेटर देने के बाद उसका जो प्रस्ताव आता है वो प्रस्ताव महासभा में आया, उसका भी डेट आपको मैं दे देता हूँ पूरा। महासभा में आने के बाद आपको मालूम है कि 111 नगर सेवक रहता है, और 111 सभागृह में 111 नगर सेवक के साक्षी ने ये प्रस्ताव मंजूर हुआ है, किसी ने उधर ऑब्जेक्शन उठाया नहीं। वो होने के बाद आपको मालूम है कि महापालिका का कोई भी फाइल जब भी बनती है, वो प्रस्ताव बनता है, तभी कम से कम 9-10 लोगों का उसके ऊपर सिग्नेचर होता है। जब भी लेटर देने के बाद उसके बाद क्या होता है कि जूनियर इंजीनियर फाइल बनाता है, उसके बाद डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव बनाता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बनता है, उसके बाद सिटी इंजीनियर का सिग्नेचर होता है, उसके बाद सिटी इंजीनियर का जो अकाउंटेंट रहता है उसका सिग्नेचर होता है, उसके बाद कैपो के पास जाती है, बाद फिर सिटी इंजीनियर के पास फाइल आती है, बाद में एडिशनल कमिश्नर के पास जाती है, और एडिशनल कमिश्नर होने के बाद कमिश्नर के पास जाती है, और कमिश्नर ने सैंक्शन करने के बाद इसका टेंडर निकलता है। ये सब इतना प्रोसेस, टेंडर तक इतना प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस जब भी होता है तभी उसको मालूम नहीं क्या कि वो 2 बार नगर सेवक बन गए थे, डेप्यूटी मेयर भी थे। तो डेप्यूटी महापालिके के डेप्यूटी मेयर को मालूम नहीं कि अपने महापालिके में जब भी कोई भी प्रस्ताव आता है तो इतना सिग्नेचर होता है, तो उसको मालूम नहीं है क्या अभी तक नगर सेवक बन रहा था। इसको मालूम होना चाहिए था कि महापालिके का कोई भी काम का जब भी प्रस्ताव बनता है तो इतना सिग्नेचर लगता है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि डेप्यूटी मेयर बनने का लायक ही नहीं था, क्योंकि आपके अपने महापालिके में ऐसे प्रस्ताव से फाइल रहती है तो उसको मालूम होता था तो मेरे ऊपर या मेरे फैमिली के ऊपर ये आरोप नहीं कर सकता था, और सब अधिकारी ने डुप्लीकेट फाइल बनाया।
क्योंकि जब भी फाइल बनती है तो इतना सिग्नेचर कैसा होता था, इतने अधिकारी लोग का संपत शेवाड़े का दोस्त है सेक्टर वार्ड में, और उसमें से सेक्टर 17 में जब भी काम करते हुए अच्छा काम होना चाहिए इसलिए फाइल बनाता है। और वार्ड क्रमांक 63 सेक्टर 17 का जो है वो लैंडमार्क है, नवी मुंबई का एक लैंडमार्क है। और लैंडमार्क में जब भी नवी मुंबई बोलेगा तो वाशी, वाशी बोलेगा तो सेक्टर 17 वार्ड क्रमांक 63, क्योंकि 2015 तक सेक्टर 17 का अलग अलग वार्ड बन गया था। पहला 16 और 17 था, बाद में 17 सेपरेट 17 हो गया, अभी सेक्टर 1, 2 और 17 बन गया वार्ड क्रमांक 63। अभी ये फाइल बनने के टाइम में जब भी जितना भी अधिकारी ने सिग्नेचर किया है उसका सोच है क्या ये डुप्लीकेट है? नहीं है। आप कभी भी आके कभी भी जाके वो अधिकारी को पूछ सकता है अपने सिग्नेचर किया या नहीं किया है, या डुप्लीकेट शेवाड़े ने सिग्नेचर बना के फाइल आगे भेजा है, आप बोल सकता है, आप दिखा सकता है पूरा सिग्नेचर का कागज में आपके कौन सा डेट का है वो आपको सबको मैं देने वाला हूँ। सर उनका एक ये भी आरोप है कि ये जो काम है वो 7 से 8 लाख में हो सकता था लेकिन 27 लाख रुपयों का ये काम निकाला गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखो महापालिका में कोई भी काम निकलता है, प्रस्ताव बनता है, उसका गवर्नमेंट का DSR रहता है। कुछ भी 3 लाख रुपए का 1 लाख रुपए में भी काम निकलता है वो गवर्नमेंट के DSR से होता है। इसका मतलब ये 7-8 लाख में काम होता है और ये 27 लाख में कैसा गया, इसका मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार है। गवर्नमेंट में जो DSR निकलता है वो DSR से फाइल बनती है, उसको मालूम नहीं क्या? मैं पहला ही बोला वो डिप्यूटी मेयर थे, उसको ये मालूम नहीं है कि महापालिका का जब भी प्रस्ताव बनता है तो DSR से बनता है। अरे सब झूठ बोलता है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि ये गवर्नमेंट के DSR से फाइल बनती है। ये जो कागज है हर एक कौन सा तारीख को कितना अधिकारी ने सिग्नेचर किया है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सब झूठ है। भले संपत शेवाड़े का कोई एक दोस्त होगा या सब अधिकारी दोस्त है, दोस्ती होगा तो क्या होगा? संपत शेवाड़े 95 से उधर कारपोरेटर है तो हमारा सबके साथ रिलेशन है। भले अपना गेट के ऊपर जो सिक्योरिटी रहता है वो भी हमारा दोस्त है, पत्रकार भी मेरे दोस्त लोग है, अधिकारी भी दोस्त लोग है, सब अधिकारी सब सेक्शन के लोग दोस्त है। जब भी मैं स्टैंडिंग कमेटी में था, प्रेसिडेंट में सभापति था, आपको मालूम है कि वही टाइम मैं कुछ भी काम होता था तो अधिकारी के कैबिन में जाके काम करते लेते थे। किसी का काम होता तो कोई दूसरे नगर सेवक का काम होता तो उसको लेके मैं अधिकारी के कैबिन में जाता था, लेकिन वो अधिकारी को कभी कैबिन में बुला के उसको काम किया ऐसा नहीं है। इतना मेरा संबंध था अधिकार में, अभी भी है और यहाँ से आगे भी रहेगा। उनका ये भी आरोप है कि जो भी खर्चा हुआ है ये पूरा कैंसिल किया जाए और जो पैसा खर्च हुआ है वो वसूल किया जाए। देखो जो खर्चा हुआ है महापालिका ने इसका टेंडर निकाला है, अभी टेंडर निकलते टाइम 3 लाख के ऊपर ई टेंडरिंग होता है, ऑल इंडिया जाता है, ऑल महाराष्ट्र जाता है, नवी मुंबई में जाता है। वही टाइम संपत शेवाड़े ने या संपत जो कंपनी ने, संपत शेवाड़े का कंपनी नहीं है लेकिन वो टेंडर जब भी निकलता है लास्ट टेंडर का डेट रहता है वही टाइम ऑल इंडिया का नेट क्या संपत शेवाड़े बंद करके रखा था क्या? वो नेट चालू ही था, क्योंकि कोई भी आके नेट के ऊपर टेंडर डाल सकता था। उसको मालूम नहीं है कि 3 लाख के ऊपर ई टेंडरिंग होता है, अभी मैनुअली नहीं है। और ये टेंडर जब भी निकला था उससे ज़्यादा हम खर्चा इधर किधर किया है। ये जो महापालिका ने गवर्नमेंट का DSR जो है उसके अलावा ये बांधकाम करते टाइम किया है क्या? नहीं किया है। वो जो बोलता है कि ये 7-8 लाख में हो सकता है उसका प्लान भी मेरे पास है। अभी ये जो प्लान जो दिखाता हूँ मैं आपको वो
टीपो ने प्लान सैंक्शन किया है। जब भी कोई भी महापालिके की बिल्डिंग होती है, एक छोटा बांधकाम होता है, वो टीपीओ ने सैंक्शन किया, उसका फोटोग्राफी भी जो कैसा बनने वाला है वो आयुक्ता ने मंजूर किया है, टीपीओ ने मंजूर किया है, वो सब होने के बाद ये देखो ये प्लान है, इसका प्लान है, सॉरी इसका ये कैसा विहंगम केंद्र बनने वाला है उसका प्लान है, जो टीपीओ ने स्क्वायर फीट में इतना स्क्वायर फीट में बांधने का है उससे एक फुट भी ज़्यादा नहीं बांधा है। ये टीपीओ झूठ, कमिश्नर झूठ, सिटी इंजीनियर झूठ, डेपुटी झूठ, एग्जीक्यूटिव झूठ, जीए झूठ, और अपना सिटी इंजीनियर का जो ओएस रहता है, ऑडिटर रहता है, वो भी झूठ, सभागृह भी झूठ, स्टैंडिंग कमेटी भी झूठ। ये अकेला सच है क्या? नहीं है, वो आप सोचो। शिवालय सर, ये कहने इनका कहना है, आरोप है कि काफ़ी सारे जो सीनियर सिटीजन है उनका ऑब्जेक्शन है, उनके पास बहुत सारे सीनियर सिटीजन 80% सीनियर सिटीजन ने कहा है कि विरंगुला केंद्र नहीं चाहिए। देखो, जब भी मेरे पास विज्ञान के दो लेडी आया था, मेरे घर पे आए थे, मेरे को बोला इधर विरंगुला केंद्र नहीं होना चाहिए। मतलब क्यों? कि हमारा व्यू जा रहा है, हमारा रूम का व्यू जा रहा है। मैं बोला कि व्यू कैसा जाएगा, आपका प्लॉट अलग है, गार्डन का प्लॉट अलग है, और तुम्हारे बिल्डिंग से तुम्हारे घर से 150 स्क्वायर फीट मुझे 200 रनिंग फुट ज़्यादा लंबा है, और ये गार्डन में समझो विज्ञान बिल्डिंग के पीछे बिल्डिंग ही होता था, वो क्या करता था, मैंने उसको समझाया। ये सीनियर सिटीजन के लिए है, और सीनियर सिटीजन इधर बैठे के मुझे जो भी है सीनियर सिटीजन एक्टिविटी एक दूसरे से सुख दुख में शामिल होगा। ये विरंगुला केंद्र में आपको मालूम है कि टीवी है, कैरम है, अलग अलग खेल है, उसके बाद में स्पोर्ट का छोटा मोटा स्पोर्ट भी कर सकता है। दूसरा एक है सेक्टर 17 में, तभी शिरको ने जब भी डेवलप किया सेक्टर 17 1981 में, तो 81-82 में डेवलप किया, तो सेक्टर 17 में एक फुट जगह सामाजिक काम के लिए रखा नहीं है। आप कभी भी सेक्टर 17 देखो, एक फुट जगह रखा नहीं है। तो मेरा सोच यही थी कि 95 से कि इधर सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ चेकअप लेगा तो इसमें लेगा, बारिश में हो नहीं बारिश में इसमें लेगा, क्योंकि कैसा होता है हेल्थ चेकअप मुझे आरोग्य शिविर लेने के टाइम जगह मांगता है। अभी कभी कभी आरोग्य शिविर में लेता, आपको मालूम है ये बाजू में गजोबा है उसमें लेता हूँ, और जब भी आरोग्य शिविर लेने का है तभी प्राइवेसी मांगता है। क्यों? कि ओपनली नहीं ले सकता आरोग्य शिविर, लेकिन अभी जो कभी कभी लेता तो चारों बाजू से डेकोरेशन करके कपड़ा लगा के हम लेता था, और ओपनली कभी कभी इधर ये अपना बनाया है पेड़ के नीचे इधर भी लेता है। सेक्टर 17 के सीनियर सिटीजन के लिए जब भी उसके लिए मेरा काम करना, ये मेरे बड़े भाई लोग हैं, बड़े बहन लोग हैं, बड़े माताजी पिताजी है, ये समझ के आज तक वार्ड में मेरा घर मेरा परिवार मेरे जिम्मेदारी, ये मैं सोच के एक काम कर रहा हूँ। अभी रह गया बात कि 7-8 लाख में बन सकता है, मेरे को मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपने ही बताया हुए दिन मेरा एक लड़का डॉक्टर है, एक लड़का आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट ने लिखने दो एक काम 7-8 लाख में हो सकता है क्या? उनका मानना है कि पालिका अगर उन्हें जगह दे तो फ्री में ही बनवा के देंगे। देखो उसका जो बोलने का मतलब है कि एक खाली क्वेश्चन उठाया इसीलिए ऐसा बोल रहा है। अभी तक 10 साल में उसने खुद के पैसे से क्या बांधा है बताओ मेरे को? एक तो सुलभ शौचालय या यूरिन का तो किधर बनाया क्या? हाँ बनाया होगा तो मेरे को दिखाओ। और एक काम बोलता है कि दूसरा जगह दे दो, पालिका ने जगह देने दो, हम उधर खुद खड़ा कर सकता है। इतना आप क्या बोलता है उसको, राजा कौन सा, हरिश्चंद्र राजा नहीं बन गए आप? हरिश्चंद्र राजा होता था तो आप आज 20 साल के 25 साल के पहला क्या था और अभी क्या है? अरे दान धर्म करो ना,
मैं किधर ना बोलता हूँ, आप हरिचंद्र होगा तो कितना दान धर्म किया है आपने, किधर स्कूल बांधा है, किधर गरीब लोगों के लिए ये किया, और तो पालिका क्या करेगी, पालिका की जमीन क्यों चाहिए? और पालिका का अभी वो बोलता है ना, अरे किधर धर्मशाला किधर बांधा है क्या, सीनियर सिटीजन जो वृद्धाश्रम किधर बांधा है क्या आपने, किधर वृद्धाश्रम में किधर दान धर्म किया है क्या? किया होगा तो दिखाओ फोटो, किया होगा तो दिखाओ बिल। खाली बोल के क्या फायदा है, बोल के कुछ फायदा नहीं है। सर सिग्नेचर आपने कैंपेन दिया है यहाँ पे आपका सपोर्ट के लिए, ये विरंगला केंद्र के सपोर्ट, ये देखो है कि नहीं है? ये देखो कम से कम दो दिन में 270 लोगों का सिग्नेचर है, कितना 270 सीनियर सिटीजन का सिग्नेचर है, ये खाली दो दिन में। जब भी बांधने का था उसके पहले ये 270 लोगों ने मेरे ऊपर सिग्नेचर का मेरे पास लेटर है, और वो भी जो महाराजा ज्येष्ठ नागरिक संस्था ये रजिस्टर है, वुमेन रजिस्टर है, ये रजिस्टर होने के बाद ये भी झूठ है, रजिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया ये भी झूठ है, तो हर एक काम झूठ है, हर एक काम में भ्रष्टाचार है, ऐसा बोलने का मतलब है क्या उसका? तो उनको प्रॉब्लम किससे, आपसे है कि विरंगला केंद्र से है? देखो इलेक्शन आने वाला है उस वजह से। अभी आपको मालूम है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन आने वाला है, ये इलेक्शन के बारे में आपको मालूम है कि मेरे अगेंस्ट दो बार वो हार चुका है, 15-16 में एक बार हार चुका है, अभी 5 इलेक्शन हुआ मुंबई महापालिका का, 5 इलेक्शन में खाली 2 टाइम नगर सेवक बन गया, एक बार जब भी 16 में रहता था तभी दूसरे के वार्ड में नूर बिल्डिंग के उधर वो जाके कांग्रेस में खड़ा गया, उधर रह गया, सेकंड टाइम उसको उधर लोगों ने कि जब भी जीत के आता था उधर कुछ काम नहीं करता था, इसीलिए सेकंड टाइम में उसको निकाल लिया वहाँ से, तभी 15 में आ गया, 15 में एक बार देखा लोगों ने चुन के आने के बाद कभी कुछ काम नहीं करता है, तभी अभी 17 में आ गया, सेकंड टाइम उधर चुन के नहीं दिया लोगों ने, उधर खड़ा रहा था सेकंड टाइम, मुझे 2015 में नूर बिल्डिंग के उधर खड़ा रहा था, 2000 में 15-16 में रह गया था, 2005 में उधर खड़ा रह गया, लेकिन उधर के लोगों ने चुन के नहीं दिया, अभी इधर दो टाइम 2010 और 2015 में आया, इधर भी चुन के नहीं दिया, कि आपको मालूम है कि जिधर जाता है एक बार चुन के आता है, सेकंड टाइम चुन के नहीं आता है, और इधर तो दो बार हार गया और उधर के एक बार, मुझे 3 बार लगातार 3 बार हारा हुआ है, ऐसे आदमी जब भी दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है तो 3 उंगली अपने पास रहता है ना, हम कितना राजा हरिचंद्र है, हम कितने लोगों का काम किया है आपके सामने है, उसका हिस्ट्री निकालो, पूरा हिस्ट्री निकालो कि उसके क्या क्या धंधा है, और हर आदमी मेरे बच्चे लोग तो काम करता है, फुकड़ का पैसा नहीं कमा रहा है, मेहनत करता, वो घटना से जो महामानव अंबेडकर साहब ने जो घटना लिखी है, जो कोर्ट का आदेश है, उस हिसाब से वो काम कर रहा है, और वो प्रौढ़ हुआ है, प्रौढ़ होने के बाद उसका जीवन खाली माँ ऊपर, माँ के और ऊपर पिताजी के ऊपर रहने, वो घटना से काम कर रहा है, वो ऑथोराइज काम कर रहा है। दूसरा एक है कि हर एक काम करते टाइम जब भी इंजाम लगाता है, अभी कल के पत्रकार परिषद ने विरंगला केंद्र का इंजाम लगाया, जो स्वस्थ भाजी बिक्री केंद्र का जो ये निकाला है, कम से कम 8-9 साल से उधर भाजी बिक्री केंद्र चालू है, पहला कोरोना के पहले वो डायरेक्ट शेतकरी नासिक से भाजी पहला उधर बेचता था, कोरोना के टाइम वो भाग गया, अभी मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया कि क्या करेगा, पब्लिक का सेवा करने का है, तो इधर फिर भाजी बिक्री केंद्र चालू किया, इसमें से अच्छे कार्यकर्ते को लोग, अच्छे घर के लड़के लोग काम कर रहे थे, उदाहरण तो बिपिन है सानवाड़ का मालिक, अभय पटेल है उसका भी बिजनेस है, मुकेश बगाड़े इसका भी बिजनेस है, कार्तिक है, ये रंजू है, ये सब लोग काम कर रहा है, खाली मेरा लड़के लोग नहीं काम कर रहे थे उधर, वो 6 बिल्डिंग के सब लड़के लोग उधर आके मेहनत कर रहे थे और पब्लिक का सेवा कर रहे थे, अभी भी पब्लिक का सेवा कर रहा है। तो उसको लेकर क्यों आरोप किए जा रहे हैं? अभी उसको लेकर आरोप एक ही है, पॉलिटिक्स, उसको एक ही दिखता है, संपत शेवाड़ का फैमिली,
तो इस बार संपत शिवाली जी की फैमिली नवी मुंबई कांग्रेस जिलाध्यक्ष को क्या हरा दी? देखो, मैंने उसको दो बार हराया है संपत शिवाली की फैमिली ने। उधर एक बार राजू शिंदे की फैमिली ने हराया था। अभी लगातार 2005 में, 10 में और 15 में हराया है। अभी देखो पब्लिक जानेगा, मैं बोलता हूँ 100% मैं उसको हराऊंगा। कि भी सेक्टर 17 में, अभी तक सेक्टर 17 में, मैं वार्ड में क्यों नहीं बोलता हूँ कि 2015 तक सेक्टर 17 का एक अलग वार्ड था। अभी वार्ड का जनता संपत शेवड़े के साथ में है। संपत शेवड़े ने धन संपत्ति नहीं कमाया, संपत शेवड़े ने वार्ड में जन संपत्ति कमाया है। और ये जन संपत्ति के ऊपर संपत शेवड़े चुन के आने वाला है। और इधर के जो भी सीनियर सिटीजन है वो अभी तक संपत शेवड़े 1985 से मान रहा है। जितना सीनियर सिटीजन है वो मेरे बड़े भाई है, बड़ी बहन है और माँ जी है, पिताजी है। और इन लोगों का सेवा हम करता है, इसलिए भगवान ने मेरे को 90% मेरे को आशीर्वाद दिया है। और भी ये इलेक्शन में भी यही जनता मेरे को बड़े भारी वोट से जीत के देने वाली है। फुटपाथ के ऊपर भी आरोप लगाया हुआ है, क्या इसमें? देखो, फुटपाथ जो बन रहा था सेक्टर 17 में, तो 90% फुटपाथ नया बनाया है। सेक्टर 17 का जो फुटपाथ बनाया था, शिरको ने बनाया हुआ फुटपाथ है, तो 2010 में, 11 में, 12 में 90% सेक्टर 17 के फुटपाथ बन गया है। जो अभ्युदय बैंक से महात्मा फुले भवन तक, बाद में नवरत्न होटल से हरमेश सेंटर तक और छेड़ा क्रिशन से आर्केड बिल्डिंग तक फुटपाथ बनाना बाकी था। आपने देखा होगा ये जो फुटपाथ का फोटो है, ये फुटपाथ नीचे जो शिरको ने बांधा हुआ था इसमें से पत्थर है, पत्थर से फुटपाथ बांधा है। इसका भी कॉपी आपको मैं दे दूंगा। और ये फुटपाथ जो है इसका स्लैब तीन जगह गिर गया था, एक छेड़ा कृष्ण के उधर, उसके बाद में देशभक्त बाबू गेनु क्रीडन के सामने उधर और अपीजे के उधर। ये जो अभी बन रहा था वो हमारे ऊपर जो इंजाम लगाया था, खाली पीली काम निकलता है, ये फोटो है। ये भी उधर फुटपाथ गिर जाता है और उधर हादसा होता था तो यही कौशिक जिला अध्यक्ष मेरे ऊपर आरोप करता था कि नगर शोक क्या करता है, क्योंकि फुटपाथ में आदमी गिर गया वो न्यूज़ होता है। फुटपाथ में आदमी, कोई लेडीज या कोई जेंट्स हो, सीनियर सिटीजन गिर जाता है तो हमारे ऊपर वो आरोप करेगा नगर शोक क्या करता है, उसको समझता नहीं क्या? मीजी काम अच्छा करेगा तो भी संपेश्वर का फैमिली गलत है, और काम नहीं करेगा तो भी संपेश्वर गलत है, क्योंकि वो खड़ा रहने वाला है। ये भी काम कुछ नहीं करता है तो लोगों को पब्लिक के सामने जाके बोलेगा कि संपत शेवड़े यहाँ से 10 साल में कुछ काम नहीं करता है तो मेरे को चुन के दे दो, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। क्योंकि मैं हमेशा उसका हर काम में, हर वाक्य में वो एक ही बोलता है, मैं एडवोकेट हूँ। अरे काहे का एडवोकेट? ये भी एडवोकेट होता है तो दूसरे के ऊपर ऐसा गलत आरोप नहीं करता था। सर, हथौड़ी से क्यों तोड़ा गया था जिस पर उन्होंने आक्षेप किया है? देखो, उसने हथौड़ी किधर मारा था कि बम्बई लिंक आर्केड के, आर्केड का जो गाड़ी आना जाना जो गेट के ऊपर, उधर हथौड़ी मारा था। अभी वो हथौड़ी मारने के बाद हथौड़ी से स्लैब टूटता है क्या कभी? जिस स्लैब से गाड़ी जाता है, गाड़ी आता है, इन आउट होता है, वो तो थोड़ा कठिनाई होता ही है। और बाजू का जो राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों साइड से जब भी फुटपाथ बनती है उसका रुंदीकरण और वो स्लैब के नीचे रुंदीकरण बहुत कम था, और वो नहीं बांधता था तो उसका पानी, बारिश में पानी आके उधर रुक जाता था। क्योंकि वो जो स्लैब बांधा है, जब भी बिल्डिंग खड़ा हुआ था वही स्लैब बांधा, और वही स्लैब टूट गया था। देखो आर्केड के उधर, उसके बाद में देशभक्तों बाबू गेनु क्रीडांगन का सामने जो गेट बंद है उधर, छेड़ा कृष्ण, वही स्लैब गिर गए थे, अपीजे का स्लैब गिर गए थे, तो वो भी स्लैब गिरता था, वो गाड़ी अंदर जाती थी और इसलिए बांधा है। हमने तो गलत बांधा नहीं। और सिटी इंजीनियर के एग्जीक्यूटिव इधर आके बोला कि तोड़ो, ये नया बनाओ, क्योंकि हादसा होने के बाद बांधने के बाद फायदा क्या है? और हथौड़ी इधर भी जमीन में भी मारेगा तो आवाज़ आता है, वो क्या घनश्याम हथौड़ी ने मारा? और इंजीनियर ने
अपना सिटी इंजीनियर का आदमी आके उसने बोला तभी ये काम करता है, खाली फुटपाथ पर नहीं, वो काम करना पड़ेगा क्योंकि 84, 83, 82 में वो स्लैब बांधा है, इसलिए वो काम कर रहा है और उसके ऊपर हथौड़ी मारा, आवाज़ आने वाली है, किधर इधर ब्लॉक में भी हथौड़ी मारेगा तो उसका आवाज़ आता है, वो बोलता है कि नहीं ये तोड़ने का ज़रूरत नहीं, लेकिन उधर गिर जाता था और गाड़ी अंदर जाता तो उसका जिम्मेदारी किसका, और इंजीनियर सब गलत काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव गलत कर रहा है, सिटी इंजीनियर गलत कर रहा है, जी गलत कर रहा है, डेप्यूटी गलत कर रहा है, कि मैं पहले ही बोला कि जो भी काम निकलता है उसके ऊपर ये सब लोगों का ध्यान रहता है। सर भाजी मार्केट के ऊपर भी आरोप लगाया जो कि भाजी मार्केट को अवार्ड मिल चुका है। देखो सेक्टर 17 में जो भाजी मार्केट है वो डेली बाज़ार का प्लॉट है और डेली बाज़ार के प्लॉट में से इन और आउट, क्योंकि उधर बाईपास रोड बनाया है, जो रोड बनाया है अंडरग्राउंड का जो मेन हाईवे पर, तो पहला सिंगल रोड था, ये भी नाहटा साहब इधर कमिश्नर के आया था तभी फर्स्ट टाइम वो जब भी इधर आया उधर ट्रैफिक बहुत होता था, काय का ट्रैफिक है तो खाली इन और आउट, मुझे इन था मुझे आउट था, इन नहीं था, तभी गाड़ी उधर आती थी पीछे जाती थी, कभी कभी उधर से रॉन्ग साइड से गाड़ी आती थी, एक्सीडेंट होते थे, तभी कमिश्नर साहब ने बोला कि इधर दोनों साइड से रोड निकालो, और वो डेली बाज़ार के प्लॉट में उधर सोलो शौचालय है, MACB का कैबिन है, और एक छोटा जो जगह बच रहा था वो जो लोग सब्जी वाले बैठते हैं फ्रूट वाले बैठते हैं ये ग्राउंड गार्डन के सामने फुटपाथ में बैठे थे, तभी हम लोगों ने उधर बिठाया खाली, क्योंकि उधर झोपड़पट्टी बांध कुछ भी बनता था और डेली बाज़ार का प्लॉट है इसीलिए वो बांधा, वो जो उधर बैठते थे लोग तभी 17 के लोग उधर सब्जी लेने के लिए जाता था, फ्रूट लेने के लिए जाता था, बारिश के टाइम में उधर कीचड़ होता था और दोनों साइड से बैठता था, एक लाइन में नहीं बैठे रहते थे, दोनों साइड से जैसा जगह मिलता था उधर वो धंधा करने के लिए बैठे थे, और जो भी लोग आज धंधा कर रहा है वो लाइसेंसदारी धंधा कर रहा है, वो आज से नहीं पहले से है, तो संपर्क सेवा अभी 2015 के बाद फिर 2010 में कॉर्पोरेट हो गया तभी नहीं बिठाया है, वो पहले से लोग बैठता है, ये भी पहले से लोग बैठता है और लाइसेंसदारी है, तो आप लाइसेंसदारी होके भी आपको उठाने का उठाओ, हमारा क्या जाता है, पब्लिक देखेगा महापालिका देखेगा, आपके पास कायदा कानून है तो उठाओ ना, हम ना नहीं बोल रहे हैं, और जो पिटाया है इसका अवार्ड मिला है स्वच्छ भारत अभियान में, इसको फर्स्ट नंबर अवार्ड मिला है, वार्ड क्रमांक 63 के हमेशा स्वच्छ भारत में फर्स्ट अवार्ड मिलता है, सेकंड अवार्ड मिलता है, क्यों मिलता है, ये वार्ड क्लीन और नीट रहता है, जिधर भी काम होता है क्वालिटी मेंटेन करता हूँ, जिधर भी रोड बनता है क्वालिटी में होता है, पानी ये जो वाशी प्लाजा से पानी घूम के HDFC आके बाद में ये अपना साईधाम कुबेर उधर से बाद में होके मिटा टावर से घूम के आर्केड बिल्डिंग से महात्मा भोले ऐसा पानी घूम के आड़ा जाए, ऐसा पानी घूमता है सेक्टर 17 में स्ट्रांग वाटर ड्रेनेज, तो हर जगह जब भी कलवट बांधा है इसलिए पानी निकल जाता है, पहला पानी भरता था 2010 के इलेक्शन के टाइम में आर्केड बिल्डिंग बॉम्बे लिंक बिल्डिंग APG के पानी भरता था, उसके बाद में जब भी कलवट निकाला कलवट साफ किया वो उधर झड़प बिटाया नाला का मेन जो नाला में ये सब पानी जाता है उधर कलवट बांधा, अभी पानी रुकता नहीं है, ये साल में इतना बारिश हुआ 4 इंच भी पानी नहीं भरा, और मार्केट का तो हालत, मार्केट में हमेशा कोई एक महापौर आए थे मलटते भैर, वो यहाँ से चले गए और महासभा में गए, बोला कितना अच्छा मार्केट बन गया है, सभागृह में बोला उसने, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक मीडिया को सभागृह में उसने बात किया था कि सेक्टर 17 का मार्केट देखो, और जो भी भले स्टेट गवर्नमेंट का हो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो स्वच्छ भारत अभियान का जो लोग आता है तो सेक्टर 17 का पहला मार्केट दिखाता है उन लोगों को, क्लीन और नीट ये रहता है, उधर के लोग भी देखो सूखा कचरा ओला कचरा उधर बास्केट भी रखा है, उधर पेड़ भी लगाया है, उधर सीनियर सिटीजन को जब भी सब्जी लेते टाइम कुछ चक्कर बिक्कर आता है उधर बेंचेस भी हमने बिठाया है, उसका सुविधा निर्माण किया है, लाइट दिया है उन लोगों को, पानी का नल दिया है, ये सब करने के बाद भी ये बोलता है
कि पैसा लिया। संपत शेवड़ ने एक रुपया भी लिया होगा, उसका चाय भी पिया होगा, तो मैं चैलेंज देता हूँ उसको, दिखाओ। और हर काम में जो बोलता है कि संपत शेवड़, संपत शेवड़ का फैमिली, संपत शेवड़ का कुटुंब भ्रष्टाचार, तू दिखा ना मेरे को कौन से जगह पे संपत शेवड़ ने अनधिकृत काम किया है, संपत शेवड़ ने बिना काम का कौन सा बिल निकाला है, दिखो हमको। और तो भी मैं इसीलिए मैं बोला कि वो पहला क्या था और अभी क्या हुआ है, और अभी इतना होने के बाद भी किधर दान धर्म किया है, किधर हरिश्चंद्र का राजा बन गया है, मेरे को दिखाओ। किधर सीनियर सिटीजन के लिए वृद्धाश्रम बांधा है क्या, कोई स्कूल बांधा है गरीब लोगों का, तो भी ट्रस्ट निकाला है क्या, खाली खुद का देख रहा है। वैसा हम नहीं कर रहा है, हम पब्लिक का सेवा कर रहा है, गणेश उत्सव मंडल से पब्लिक को सेवा करता हो। कोई आदमी मेरे पास आएगा हेल्थ के लिए तो उसको डोनेशन भी देता है, कभी खुद हम डोनेशन देता है, कोई समाज का कोई धर्म का हम देखता नहीं है। आपको जो को बी टाइप में एक लड़के उसका ऑपरेशन करने का था, उसको भी पैसा दिया, कितने लोगों का हम काम कर रहे हैं, उसको मदद करता है। ये होने के बाद तो मेरे हिसाब से जो भी हम कमाता है मेरे लड़के, उससे कुछ ना कुछ हिस्सा वो काम करने के लिए मैं देता है। इसने क्या किया, खाली दूसरे के ऊपर झूठा इंजाम लगाने का ही काम किया है, ये मैं बोलता हूँ। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।